कर्नल अजय जी, सबसे पहले आपसे सोयाबीन के ऊपर ही बातचीत करना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि सोयाबीन में बढ़त देखने को मिल सकती है और हम देख भी रहे हैं कि आज सोयाबीन का वायदा बाजार NCDEX सुबह के कारोबारी सत्र में लगभग 2.5% की तेजी के साथ 6000 पर ट्रेड करता नजर आ रहा था। ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसा आपने अभी बताया भी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घटबढ़ का असर भारत के बाजारों पर जरूर देखने को मिलता है, वहीं से ये भी खबरें हैं कि अब सोया खल की जो कीमतें हैं उनमें भी अब विदेशों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में आपका क्या मानना है, आगे जाके सोयाबीन का बाजार अब कैसा रह सकता है? देखिए, सोयाबीन के अंदर हमेशा से ही हम आपको अग्रिम विश्लेषण और अग्रिम संकेत देते हैं जो कि अक्षरत सत्य भी साबित होते देखे गए हैं। सोयाबीन के अंदर उठाक पटाक और लगभग 10 से 15 दिन 20 दिन रह सकती है और उसके बाद इसका ट्रेंड डिसाइड हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि जो इस समय जितनी भी रोक लगी हुई है, और ये एक गौरतलब है कि जब भी किसी भी चीज के ऊपर सरकार प्रयास करती है तो उसका उसका असर जरूरी नहीं है कि वो गिरावट में ही हो। आप यदि आप प्याज को देख लें, सोयाबीन को देख लें या बाकी जो कमोडिटीज देख लें, उसके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब रोक लगती है तो कुछ समय के लिए गिरावट रहती है, उसके बाद में भाव तेज हो जाते हैं और इसका नुकसान अक्सर जो उठाना पड़ता है वो मिलर्स को उठाना पड़ता है जी। किसान यदि नीचा भाव आएगा वो मान नहीं देगा। पहले भी जब सोयाबीन के इंपोर्ट ड्यूटीज में और बाकी में कमी की गई थी या सरसों का पर बैन लगाया गया था और सोयाबीन के दाम कमजोर हो गए थे तो किसानों ने माल देना उन्होंने धीमी गति कर दी थी। और यही होगा कि यदि कोई भी रोक है या कुछ है, कोई भी सरकार या कोई भी व्यापारी वर्ग या कोई भी एसोसिएशन किसानों को मजबूर नहीं कर सकती उनको माल बेचने के लिए। किसान तभी माल बेचेगा जब उसको फायदा होगा। पहले के जमाने में किसानों के पास सूचनाएं नहीं होती थी, किसानों के पास उपलब्ध साधन नहीं होते थे तो वो आ जाता था, लेकिन अब किसानों के पास पल पल की खबर है और यदि वो नीचे भाव रहेंगे तो वो माल नहीं बेचेगा, ये मेरा मानना है। हो सकता है दाल बेचे भी, जितनी जरूरत है उतनी ही बेचेगा जारी खर्च चलाने के लिए। तो सोयाबीन के दाम अधिक गिरने से किसानों को भी नुकसान रहेगा और वो जो कारोबारी और जिन्होंने माल खरीद रखा है उनको भी नुकसान होगा। और ये जो इसमें इसको देखते हुए मुझे लगता है कि सोयाबीन के भावों में कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावनाएं शायद ना हो, ये मेरा मानना है। और बाकी तो आगे देखिए, हम लोग भी यही हैं और मार्केट भी यही है, आगे क्या होगा। पहले भी हमारी भविष्यवाणी अक्सर सत्य साबित हुई थी, अब इसमें देखना है कि आगे क्या रहता है। ये अखिलेश जी। जी, तो यानी कि कर्नल अजय जी के मुताबिक, एस्ट्रोमनी गुरु कर्नल अजय जी के मुताबिक, उनके अनुसार सोयाबीन में ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, सोयाबीन का बाज़ार ज़्यादा गिरता नज़र नहीं आएगा, बढ़त भी देखने को मिलती रहेगी। और उनका यह भी कहना है कि आने वाले 10 से 20 दिनों तक सोयाबीन के वायदा बाज़ार में ऐसी उठापटक वॉलेटाइलिटी देखने को मिलती रहेगी और फिर उसके बाद सोयाबीन का जो ट्रेंड है ऊपर की ओर है या फिर नीचे की ओर है ये डिसाइड हो जाएगा।